राजस्थान में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच राजस्थान विधानसभा का एक संक्षिप्त सत्र इस सप्ताह बुलाया जा सकता है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि सरकार के समक्ष संक्षिप्त विधानसभा सत्र बुलाने सहित सभी विकल्प खुले हैं। आपको बता दें कि शनिवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की थी। उधर कांग्रेस नेता अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सदन में शक्ति परीक्षण कब होगा, कैसे होगा, यह निर्णय और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री और सरकार को करनी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अपने विवेक से जब जरूरत होगी, अगर जरूरत हुई तो उस तरफ आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार शाम राज्यपाल से मुलाकात की। राजभवन सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच 45 मिनट तक चली बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। वहीं दूसरी ओर पार्टी सूत्रों ने कहा कि संक्षिप्त सत्र बुलाने की संभावना है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि अशोक गहलोत सरकार के पास सदन में अलग बहुमत सिद्ध करने की जरूरत हुई तो पर्याप्त संख्या बल है। 200 सदस्यों वाली राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के 107 विधायकों में पायलट खेमे के 18 विधायक और सचिन पायलट समेत 19 विधायक शामिल हैं। राष्ट्रीय लोकदल के एक विधायक का कांग्रेस को समर्थन है, जबकि सत्ताधारी पार्टी को 13 निर्दलीय विधायकों में से 10 का समर्थन प्राप्त है।